तो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आपको देने वाला हूँ अपने घर का पूरा होम टूर। मैं बताऊँगा आपको कहाँ पर क्या है। बाहर से स्टार्ट करेंगे, मैंने आज बाहर इसलिए स्टार्ट करा, तो दिखाता हूँ क्या क्या है। तो गाइस, आप यहाँ से अंदर आओगे तो आपको सबसे पहले दिखेगी मेरी बिल्लो रानी, इधर पर खड़ी होगी। और इधर पर एक गेट है इस वाले घर के अंदर जाने के लिए। और यहाँ पर प्लांट्स हैं थोड़े से, और इधर भी हैं। और यहाँ पर पंप रखा है पड़ोसी का। और एक गेट ये है और एक गेट ये है एंट्रेंस का। तो दो गेट हैं और थोड़े प्लांट्स ये हैं। और मम्मी यहाँ पानी डाल लिए खड़े होके प्लांट्स में, तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं। और इधर पे भी है दीवार पे कुछ, यहाँ पर भी है। और एक इधर ये है, रास्ता छोड़ रखा है इधर जाने के लिए हमारे घर में। उधर से भी रास्ता है उधर उस वाले घर में जाने के लिए, और इस वाले घर में भी जाने के लिए रास्ता है। और बताए एक चीज़ और बताऊँ, ये वाले घर में भी फौजी लोग रहते हैं और पिछले वाले घर में भी फौजी रहते हैं। तो दोनों फौजी फौजी है और हम तो मज़े से रहते हैं, दोनों फौजी हैं मज़े करते हैं। और पीछे एक चूल्हा रखा है जिसमें हम कभी कभी खाना बनाते हैं। और प्लांट है पीछे तो इतना ही है। और यहाँ पर पता नहीं काला पेंट रखा है, और बस इतना ही है। But I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work. और थोड़े प्लांट्स यहाँ पर भी रखे हैं, इस पे दो तीन प्लांट। और ये तो मम्मी ने इसको चप्पल रखने वाला स्टैंड बना दिया है यहाँ पर, जहाँ गमले और फूल से ज़्यादा तो यहाँ पर चप्पलें और वो रखे हैं जूते। तो बस इतना ही है यहाँ पर। तो इधर से अंदर आएंगे तो आपको सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर थोड़े बहुत औजार, एक माचिस और ये सब चीज़ें रखी हैं। और एक बाल्टी में इतने सारे कट्टे हैं। और यहाँ पर इन्वेटर है, ये सब है। हमारा घर कबाड़ खाना ज़्यादा है। और यहाँ पर जूते उतर रखे हैं सीढ़ियों पे इधर पे। तो अब चलते हैं अंदर, फिर आपको दिखाते हैं अंदर का। तो अंदर आते ही आपको दिखेगा कुछ ऐसा ही, और यहाँ लाइट ऑन कर देते हैं तो कुछ ऐसा है। इधर पे थोड़े बहुत सोफे वोफे रखे हैं, दो सोफे हैं। और यहाँ पर एक डीजे भी है, और डीजे नहीं स्पीकर है, इसमें यही दो ही बजते हैं। और ये सारे बजते तो सारे हैं लेकिन कनेक्ट सिर्फ ये कर रखा है, तो ये बहुत तेज बजता है तभी एक कनेक्ट कर रखा है। और सब खराब भी हो सकते, ख़राब भी हो रखे हैं ना। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर एक बैग है, टावल वावल टंगी है। और ये हमारा पहला बाथरूम। हमारे घर में पूरे टोटल दो बाथरूम है, एक उस साइड है और एक ये है। तो मैं आपको इसके अंदर खुफिया राज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है, मैं दिखाऊंगा नहीं। तो अब चलते हैं आगे, और इधर से आगे आते ही आपको लॉबी दिखेगी। लॉबी में लॉबी दिखेगी, लॉबी में यहाँ सिलाई मशीन रख रखी है। अभी टेलर है ना, तो यहाँ पर मम्मी सिलाई विलाई करती है। और इधर पे थोड़े कट्टे रखे हैं, इधर पे कट्टे रखे हैं थोड़े बहुत, जिसमें आटा है। और इधर साइड आओगे तो इधर पे कुर्सियाँ रखी हैं, और यहाँ पर है। और ये है, और इधर साइड है मेरा रूम, ये मेरा वाला रूम है। और आपको मेरे हर कमरे में दरवाजे पर एक टावल टंगी हुई मिलेगी। यहाँ पर पता दिखाता हूँ, यहाँ पर इतना बड़ा स्टैंड लगवा रखा है लेकिन टांगते दरवाजों पे ही है।
तो इधर पे कुर्सियाँ भी रखी हैं, और यहाँ बेड है जिस पर आराम से मज़े से लेट सकते हैं। और एक ये चार्जर, ये वहाँ पर रखता हूँ ना तो चार्जर लगता नहीं है, तो यहाँ पर फ़ोन चार्ज, यहाँ पर चार्जर अच्छे से लग जाता है। और एक कार्डबोर्ड रखा है इधर पे, और ये अलमारी है जहाँ पर मेरे कपड़े रखे हैं, और ये है जहाँ कॉपी किताब और थोड़ी बहुत सामान है, और यहाँ पर भी कॉपी और जूते हैं। और ये हमारे घर की मेन चीज़ जिससे मैं अपना गुजारा करता हूँ, पूरे दिन भर इसी देखता हूँ। फिर आगे चलेंगे तो किचन आएगा, इधर पे किचन है, इसकी लाइट ऑन कर देता है। तो किचन ऐसा है, आपने मेरे व्लॉग में तो कितनी बार किचन देखा ही होगा, लेकिन एक बार और दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसा है किचन हमारा, कुछ ऐसा है। और यहाँ पर एक 10 साल पुराना फ्रिज है, और इसके अंदर है थोड़ा पानी आने के सामान है, जूस वूस है, बस इतना ही सामान है इसमें भी। तो अब आगे आते हैं, तो इधर पे आएगा एक शीशा जहाँ पर आप अपना फेस देख सकते हो अच्छे से, और वॉश बेसिन है एक यहाँ पर। और इधर साइड आओगे तो यहाँ पर एक हमारा मंदिर है, और ये सब पता टाइल्स हैं, कोई मूर्ति नहीं रखी है, पूरे टाइल्स ही लगे हैं यहाँ पर। और ये नीचे वाली हैं सिर्फ मूर्तियाँ, तो मंदिर सिर्फ इतना ही है। तो बस, और अब और एक चीज़ और, ये यहाँ पर जो लॉबी है ना, यहाँ पर सीनरी भी है, एक अच्छी सी सीनरी है। ये टाइल की है, पूरी दीवार पे टाइल चिपका है, देखो ये पूरा दीवार पे टाइल है, ठीक है। तो अब इधर को आएंगे, तो इधर पे है बेड हमारा, ये मम्मी का है, ये वाला रूम मम्मी का है, यहाँ पर मम्मी और पापा सोते हैं और मैं बीच में सोता हूँ। तो ये है ड्रेसिंग जो मैं बोल रहा था ना ख़राब रखा है, यहाँ पर से शीशा शीशा लगेगा। उस दिन वो लकड़ी वाले भैया तो आए नहीं, तो सही नहीं हो पाया। और एक ये बेड है, बेड, और एक कूलर है जहाँ मौज करते हैं, एकदम तगड़ी वाली मौज, बहुत सही हवा देता है, लेकिन आवाज़ बहुत तेज़ करता है तो मैं इसे चलाता नहीं हूँ। और एक पंखा भी है, पंखा तो हर रूम में है। और यहाँ पर कपड़े हैं, आपको सब यहाँ सारे घर के कपड़े मिल जाएंगे, ये छोटे भैया के, यहाँ भैया के, पापा के, यहाँ मेरे, अंकित के, और मम्मी के भी मिल जाएंगे थोड़े बहुत, तो इधर पे भी है। और यहाँ पर सामान रख रखा है, कम्बल अम्बल है, और नीचे बाल्टी वाल्टी रख रखी है। तो मम्मी का भी इतना ही रूम है, और हर कमरे में एक टावल टंगी हुई होगी, एक टावल ये थी, एक टावल मेरे कमरे में है, कुछ दो टावल अगला वाला रूम में दिखाता हूँ उसमें भी है। तो अब चलते हैं आगे वाले रूम में आएंगे। तो ये छोटू भैया और भैया का रूम है, तो यहाँ पर वो ये लोग पढ़ाई करते हैं। ये स्टडी टेबल है, इसमें देखो पेन कैसे ठूस ठूस के भर रखी हैं। और यहाँ पर एक कुर्सी है, और किताबें रख रखी हैं, और यहाँ ये अलमारी है जहाँ कपड़े अपड़े हैं, इस पर कपड़े हैं। और ये वॉशिंग मशीन, और कंबल यहाँ रख रखा है, और अलमारी एक, और एक कूलर इधर भी है, ये तो उससे भी ज़्यादा खड़ा 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 करता है। और एक वॉशरूम ये है, एक ये वहाँ पर था, एक ये है, तो मैं खोल के नहीं दिखाऊंगा, इसके अंदर बहुत सारे राज रख रखे हैं, दिखाऊंगा नहीं। तो अब चलते हैं आगे गाइस, बस इतना ही मेरा टूर था, बस इतना ही घर है छोटा सा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ बाहर से कैसा दिखता है बिल्कुल अंदर का। और सब कुछ तो हो चुका है मस्त से, और छत पे भी चलेंगे, छत पे भी दिखाएंगे आपको क्या क्या है। तो बस इतना ही है यहाँ पर, बाहर से घर हमारा कुछ ऐसा दिखता है, ये वाला घर पहला, दूसरा हमारा वाला, और ये है पड़ोसियों का। तो कुछ ऐसा घर हमारा दिखता है, और बस थोड़ा छोटा सा है। तो अब चलते हैं ऊपर, दिखाता हूँ आपको क्या क्या है, ऊपर भी है सामान, तो चलते हैं ऊपर। और एक चीज़ और, मैं आपको सबसे मेन चीज़ तो बताना ही भूल गया, जो मेरी मेन चीज़ है। तो आप अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे क्रिकेट बैट, जिससे हम हर दिन खेलते हैं, और हर घर में बॉल हमारी, यहाँ हर घर में बॉल चली जाती है, और आंटी बॉल देती नहीं है, खासकर ये ग्रीन वाली है ना, ग्रीन वाले घर वाली आंटी, वो तो देती नहीं है। तो छत पे चलते हैं, यहाँ शूज़ वूज़ रख रखे, ये पता नहीं क्या कूड़ा बटोरने वाला, तो ऊपर चलेंगे। ऊपर चलते हुए यहाँ पर आपको मिलेगा हमारा स्टोर रूम, दिवाली वाली नहीं है, बस ऐसा खुला है, एक बक्सा है, इसके ऊपर सब कबाड़ भर रखा है।
कभी कभी ठंडी हो गई ना तो बाहर बैठते तो इसके लिए दरी भी रख रखी है। और ये देखो इतने सारे टूटे हुए बैट, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मेरे भाई के पता है इतने सारे टूटे बैट है ना, मैं दिखाऊंगा, कम से कम 9-10 बैट है, तो दिखाता हूँ। तो गेट खोलते हुए अंदर आओगे तो आपको यहाँ पर सीढ़ी दिखेगी जिससे ऊपर जाएंगे। और ये है एक, ये मेरा भाई पता है पहले से एक्सरसाइज करता था, ये कार के टायर हैं लेकिन ये डंबल के लिए यूज़ करता था, और ये सरिया है, और एक पाइप है, और इधर पे थोड़ी लकड़ियाँ लकड़ियाँ रख रखी हैं, इसे हम गर्मियों ठंडियों में जलाते हैं। और ये एक ये है, पहले बताए ये वाले जो ये नहीं है, इससे ये कमरा था, इसको हमने रेनोवेट कराया ना जब पेंट करवाया था पूरे पे, तो इसको हमने पूरा चेंज करवाया ना, तो इधर इधर पे दीवार थी एक अच्छी सी, इधर पे दीवार थी तो यहाँ पर एक गेट भी लगा था, तो उसका गेट वो निकल रखा है, तो वो निकला है। और एक D2HH टीवी का, और हर जगह हमारा पेंट निकल चुका है, पता नहीं कितनी पपड़ी निकलती है ना इससे, फूला हुआ है पूरा। और यहाँ पर टाइल्स रख रखे हैं जो बच रखे थे ना, हमने टाइल्स लगवाए थे, तो कुछ ऐसा है। और बस हमारी छत कुछ ऐसी है, ऊपर से कुछ ऐसी है, यहाँ टाइल आइल लग रखे हैं, ये ईंटें इसलिए रख रखे हैं क्योंकि यहाँ पर ओले गिरता है ना तो ये फूट गया, तो इसलिए ईंटें रख रखे हैं यहाँ पर। और ये भी हैं, इससे जो दिवाली है ना, दिवाली में वो क्या बोलते हैं, वो होता था क्या बोलते हैं, दिवाली में यहाँ लाइट लगा देते तो रुकती नहीं थी, तो इससे रोक लेते थे, तभी ये यहाँ है। तो चलते नीचे। तो गाइस बस इतना ही होम टूर है मेरे घर का, और कुछ नहीं, बस मेरे को लगता है अब तो बहुत लंबी वीडियो बन गई 11-12 मिनट की। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल पे ना सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। और मैंने बहुत कुछ बनाया और पूरा घर दिखा दिया आज, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज मैं ब्लॉग भी नहीं बनाऊँगा, मस्त से मज़े करूँगा, मैंने आज के लिए तो ब्लॉग बहुत बना लिया है तो बनाऊँगा ही नहीं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी टाइम, यार मम्मी क्यों बजा रही हो यार ये, but I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah.